Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that at which stage of meiosis does the genetic constitution of gametes is finally decided? A. Metaphase 1, B. Anaphase 2, C. Metaphase 2, D. Anaphase 1. तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा वो स्टेज है मियोसिस का दिए हुए ऑप्शंस में से जहां पर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है गैमेट्स का वो फाइनली डिसाइड किया जाता है या डिसाइड होता है। तो अगर हम मियोसिस की बात करें तो जो मियोसिस वन में एनाफेज वन होता है वहां पर ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गैमेट्स का डिसाइड होता है। सो इन मियोसिस वन वी कैन से इन मियोसिस वन सो ड्यूरिंग द एनाफेज वन ऑफ दिस मियोसिस वन ड्यूरिंग एनाफेज वन यहाँ पर क्या होता है जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के वो सेपरेट होते हैं एंड दे आर पुल टू अपोजिट एंड। सो ओवर हियर इन दिस एनाफेज वन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स और होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वी कैन से पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ये सेपरेट होते हैं दे आर सेपरेटेड एंड पुल्ड टू ऑपोजिट एंड सो इसकी वजह से क्या होता है दिस रिजल्ट्स इन ईच एंड हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम हम कह सकते हैं। सो वी कैन से दिस रिजल्ट्स इन ईच एंड having a single set of chromosome सो यहाँ पर ये ensure होता है कि हर साइड पर एक complete set होगा chromosomes का। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो genetic constitution होते हैं gametes के ये final decide होते हैं anaphase one stage में because जो separation हो रहा है chromosome का जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर this takes place and यहाँ पर जो parent के 2n होते हैं वो बन जाते हैं n in daughter cells। Over here as said before the separation of chromosomes take place इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये decide करते हैं genetic constitution को separation of chromosomes takes place and the 2n from the parent this becomes n in daughter cells in this stage। सो इसलिए यहाँ पर अगर हमारे ऑप्शंस देखें तो जो डी ऑप्शन दिया हुआ है एनाफेज वन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डी एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एनाफेज वन दिस इज द स्टेज ऑफ मियोसिस वेर इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट्स इज फाइनली डिसाइडेड। I hope you understood the explanation. Thank you.